श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, पिछले लेक्चर में आपने परासरण दाब क्या है, परासरण दाब के नियम क्या हैं, उस पर आधारित आंकिक प्रश्न हल किया। अब उसी क्रम में अगला टॉपिक है द्रवों का वाष्प दाब। द्रवों का वाष्प दाब अब देखिए, द्रवों का वाष्प दाब क्या है। मान लीजिए एक बीकर ले लीजिए, और इस बीकर में मान लीजिए कोई भी द्रव भर लिया गया है, कोई भी द्रव क्या कर लिया गया, भर लिया गया है। अब इसको बेलजार की सहायता से क्या कर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं। बीकर को बेलजार की सहायता से ढक दिया गया। अब यदि इस बीकर को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो सबसे पहले जब यहाँ से आप उष्मा देंगे तो सबसे पहले पात्र गर्म होगा। पात्र गर्म होगा, फिर धीरे धीरे पात्र की सतह पे जो द्रव के कण उपस्थित हैं वो गर्म होना प्रारंभ करेंगे। जब गर्म होंगे वो उष्मा अवशोषित करेंगे तो उनकी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान जब बढ़ जाएगा तो वो विभिन्न दिशाओं में क्या करेंगे, गत करेंगे, दूसरे अणुओं को टक्कर मारेंगे। दूसरा अणु भी क्या करेगा, ऊर्जा उष्मा को अवशोषित करेगा, वह अगले अणु को टक्कर मारेगा। इस प्रकार धीरे धीरे इस बीकर में जो द्रव रखा गया है वह धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ कर देगा। यदि मानिए लिया गया द्रव क्या है, जल है, लिया गया द्रव क्या है, जल है, तो धीरे धीरे जल क्या होगा, गर्म होना प्रारंभ होगा। और यदि इसका टेम्परेचर क्या किया जाए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। जो ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, अब इसके टेम्परेचर यानी ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात ताप स्थिर कर दिया जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो होगा क्या, यहाँ पर जो द्रव के ऊपरी सतह पर यानी जल के जो ऊपरी सतह पर जल के अणु हैं वो जल के ऊपरी सतह के पृष्ठ को छोड़कर ऊपर वाष्प अवस्था में बदलना शुरू कर देंगे, अर्थात ये वाष्पित होने लगेंगे। और वाष्पित होंगे तो ये जो बेलजार है, ये बेलजार के रिक्त खाली स्थान में, रिक्त स्थान में क्या होने लगेंगे, एकत्र होने लगेंगे, अर्थात इनमें वाष्पन की क्रिया प्रारंभ हो गई। कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ताप अब परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से जल के जो कण हैं ऊपरी सतह के पृष्ठ को छोड़कर क्या होंगे, ऊपर की ओर वाष्पित होंगे, और वाष्पित होंगे तो इनकी वाष्प जो है बेलजार के रिक्त स्थानों में क्या होगी, एकत्र होगी। और इनके कुछ वाष्प पुनः जब इनका टेम्परेचर कम होगा तो यह क्या होगा, द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देगा। तो कुछ वाष्प किस में बदल जाएगा, द्रव में, और कुछ द्रव क्या है, वाष्प में बदल रहा है। अर्थात इसमें दो विरोधी क्रियाएं, द्रवण और वाष्पन साथ साथ हो रही हैं। जब ये दोनों वाष्पन और द्रवण क्रियाएं साथ साथ होंगी
तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इन दोनों का वेग क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर है आपका स्थिर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से जब जल के कण पृष्ठ को छोड़कर वाष्प अवस्था में ऊपर की, क्यों छोड़ेंगे पृष्ठ को छोड़कर, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा का मान अन्य द्रव यानी अन्य जल के अणुओं से क्या हो गई, अधिक हो गई। जब गतिज ऊर्जा का मान इनका अधिक हो जाएगा तो ये पृष्ठ को छोड़कर क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और इस बेलजार के रिक्त स्थान में एकत्र होने लगेंगे। उनमें से कुछ जल के कण क्या होंगे, पुनः वाष्प से द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार इनमें वाष्पन और द्रवण दोनों विरोधी क्रियाएँ साथ साथ होंगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि वाष्पन और द्रवण जो दोनों विरोधी क्रियाएं हैं, इनका वेग क्या होगा, बराबर हो जाएगा और साम्य स्थापित हो जाएगा। अर्थात वाष्पन और द्रवण का वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब वहां पर साम्य स्थापित हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, द्रव किसमें परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में। कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पन, और पुनः यह वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो कौन सी क्रिया होगी, द्रवण। जब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया हो रही है तो एक ऐसा समय जरूर आएगा कि वाष्पन और द्रवण का वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और साम्य स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर साम्यावस्था पर इस द्रव के द्वारा डाला गया जो वाष्प दाब है या द्रव के द्वारा जो उत्पन्न दाब है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में उत्पन्न वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में उत्पन्न वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे सामान्य सा उदाहरण देखे होंगे, दैनिक जीवन में आप खाना पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो यदि मान लीजिए सब्जी बनाई जा रही है तो सब्जी को क्या करते हैं, यदि ढक्कन से आप ढक दिए हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका ताप बढ़ना शुरू होता है, तो वहाँ से जल जो है धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पित होता है। जब वाष्पित होगा तो देखेंगे कि ढक्कन क्या है, धीरे धीरे पुनः ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे ढक्कन क्या होगा, और ऊपर उठने लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी वाष्प के द्वारा उस ढक्कन पर दाब डाला जा रहा है, जिसके कारण वह ढक्कन क्या है, ऊपर उठने लगता है। तो वही डाला गया दाब, उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यदि आप ढक्कन को उठाएंगे तो देखेंगे कि वह वाष्प पानी के रूप में क्या होता है, टपकने लगता है। क्यों, क्योंकि वाष्पन जो वाष्प है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात वाष्पन और द्रवण की क्रिया दोनों क्या होती है, लगातार साथ होती रहती है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि वाष्पन और द्रवण दोनों का वेग क्या होता है, बराबर हो जाता है और साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वाष्पन की क्रिया, और वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो द्रवण की क्रिया, और जब साम्य स्थापित हो जाएगा तो उस समय द्रव के द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा वही उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब के संबंध में कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। स्थिर ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, स्थिर होता है। नंबर एक, पहली चीज़, यदि मान लीजिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और इस बीकर में जल लिया गया है, तो इसके द्वारा जो वाष्प का दाब होगा वह हमेशा क्या होगा, सदैव बराबर होगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर 100 से क्या कर दिए, 105 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो निश्चित है उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर एक, पहली पॉइंट, किसी भी द्रव का वाष्प दाब स्थिर ताप पर क्या होता है, स्थिर रहता है। नंबर दो, ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर तीन,
यदि किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप डालते हैं, किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरी पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है, यदि कोई भी द्रव है यदि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल रहे हैं तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे सामान्य सा उदाहरण है, हम चाय जब बनाते हैं, चाय मान लीजिए खौल रही है, आपने चीनी उसमें नहीं डाला है, खौल रही है उसमें वाष्प बन रहा है, वाष्पित हो रहा है, और जो ही आप चीनी डालेंगे तो उसका खोलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें चीनी डालेंगे तो चीनी के अणु क्या करेंगे, ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, और ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो निश्चित है उसका ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस विलयन में विलायक के अणु होंगे और विलेय पदार्थ चीनी के अणु होंगे, चीनी के अणुओं की संख्या अधिक होगी तो अर्थात उनकी सतह पर अब विलायक के अलावा विलेय चीनी के अणु उपस्थित हो गए, जिसके कारण उनकी वह ऊष्मा अवशोषित कर लिए, ऊष्मा अवशोषित कर लिए तो उनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नंबर चार क्या था, किसी भी विलेय में कोई अवाष्पशील पदार्थ या किसी भी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल रहे हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर पाँच, जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाए वह ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल है, जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, एक वायुमंडल यानी 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाए। एक वायुमंडल बराबर क्या, 760 मिलीमीटर, एक वायुमंडल बराबर 760 मिलीमीटर। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देते हैं, गर्म करते हैं जल को, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है, अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। वही ताप क्या कहलाएगा, इस जल का क्या कहलाएगा, क्वथनांक। अतः जल का क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो नंबर पाँचवीं चीज, किसी भी वह ताप, मान लीजिए आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल अर्थात 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाए वह ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। नंबर पाँचवीं चीज, यह भी हमेशा ध्यान में रखेंगे, जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है, और जिसका क्वथनांक अधिक होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। इसको देखिए कैसे समझेंगे, मान लीजिए दो बीकर हैं, एक बीकर में आपने क्या ले लिया है, एथिल एल्कोहल ले लिया है, और एक बीकर में आपने क्या ले लिया है, जल ले लिया है। एक बीकर है, इसमें आपने क्या ले लिया है, जल H2O ले लिया, और इसको बेलजार के द्वारा क्या कर दिए हैं, ढक दिए हैं, बेलजार से क्या कर दिए, ढक दिए। दूसरा बीकर लिए हैं, और इस दूसरे बीकर में आपने क्या किया, एथिल एल्कोहल ले लिया, और इसको भी बेलजार से क्या कर दिए, ढक दिए हैं। इसमें क्या है, एथिल एल्कोहल C2H5OH। जल का क्वथनांक सौ डिग्री सेंटीग्रेड और एथिल एल्कोहल का क्वथनांक 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगा और एथिल एल्कोहल 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम कह क्या रहे हैं, पांचवी पॉइंट क्या बताए, कि जिनका क्वथनांक कम होता है उनका वाष्प दाब अधिक होता है, जिनका क्वथनांक अधिक होता है उनका वाष्प दाब कम होता है। इसको समझेंगे कैसे, अब देखिए इसमें जल भर लिया गया है, इसको जल को क्या कर रहे हैं, गर्म करना प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें एथिल एल्कोहल भर दिया गया है, एथिल एल्कोहल को गर्म करना प्रारंभ कर दे रहे हैं, दोनों को साथ गर्म कर रहे हैं। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जब बढ़ाएंगे तो जो ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, एथिल एल्कोहल का क्वथनांक कितना, 78 डिग्री सेंटीग्रेड,
जो ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा, यहाँ से एथिल एल्कोहल की ऊपरी सतह से एथिल एल्कोहल के कण पृष्ठ को छोड़कर ऊपर वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाएंगे और बेलजार में जो रिक्त स्थान है उसमें एकत्र होने लगेंगे। तो यहाँ पर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाष्प बनना प्रारंभ हो गई, जबकि अभी जल वाले को भी आप लगातार गर्म कर रहे हैं, इसका भी टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा तो वाष्प नहीं बनेगी, क्योंकि इसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर और बढ़ाते चले जाएं, जो ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा के आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेंगे, 78 से कहाँ पहुँचा आपका टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके बीच में तब तक इस बेलजार में जो है रिक्त स्थान जो है इसमें बहुत अधिक वाष्प बन चुकी होगी, लेकिन जब यहाँ पर 78 से 100 तक पहुँचे हैं तब तक इसमें कोई भी वाष्प बनना प्रारंभ नहीं हुई। जो ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँचा तब इसमें क्या होगा, जल के अणु पृष्ठ की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ होंगे, अर्थात वाष्प बनेगी और इस बेलजार के रिक्त स्थान में एकत्र होना प्रारंभ हो जाएगी। तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह वाष्पित होने लगा, तो यहाँ पर वाष्प का दाब कम होगा, यहाँ पर वाष्प का दाब क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक क्या है, कम है। जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होगा, जिसका क्वथनांक अधिक होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। ये रहा आपका पांचवा पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। नंबर 6, यदि मान लीजिए भिन्न भिन्न प्रकार के विलयन हैं और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विलयनों का समान ताप पर वाष्प दाब क्या है, समान है, कई प्रकार के विलयन हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ 5 प्रकार के विलयन हैं, 5-6 प्रकार के हों, 10 प्रकार के हों, जो भी हैं, तो यदि मान लीजिए कई प्रकार के विलयन हैं, यदि उनका समान ताप पर सभी विलयनों का वाष्प दाब क्या हो, समान हो, समान ताप मतलब टेम्परेचर सबको आप बराबर दे रहे हैं, और यदि उनका वाष्प दाब क्या है, समान है, तो वह विलयन सभी विलयन क्या कहलाएंगे, समदाबी विलयन कहलाते हैं। तो नंबर 5वीं पॉइंट क्या थे कि यदि समान ताप पर सभी विलयनों के वाष्प दाब क्या हों, समान हों, तो वे समदाबी विलयन कहलाते हैं। तो ये था द्रवों का वाष्प दाब और उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट तथ्य थे, इनको हमेशा ध्यान में रखेंगे। पुनः एक बार सुन लीजिए क्या क्या बातें हैं। स्थिर ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, स्थिर होता है। नंबर 2, यदि ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर 3, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाता है वह ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। नंबर 4, यदि किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। नंबर 5, यदि मान लीजिए किसी भी द्रव का क्वथनांक कम है तो उसका वाष्प दाब अधिक, और जिस द्रव का क्वथनांक अधिक है उसका वाष्प दाब कम होगा। और नंबर 6 कि यदि मान लीजिए भिन्न प्रकार के विलयन हैं समानता पर, यदि उन विलयनों का वाष्प दाब समान है तो सभी विलयन क्या कहलाते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अनुमन, वाष्प दाब में अनुमन। अनुमन मीन्स क्या, कमी, वाष्प दाब में कमी। अभी सामान्य सा उदाहरण आपको बताएं कि चाय बना रहे हैं, चाय खोल रही है, इसमें आप चीनी डालेंगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। चीनी क्या है, विलेय पदार्थ है, तो उस पूरे विलयन का अब वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपने चीनी विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो यदि किसी भी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, अर्थात उस द्रव की सतह पर विलायक के अतिरिक्त अवाष्पशील विलेय के अणु उपस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
माना विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक है, वाष्पदाब इक्वल टू पी, और यदि इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिए तो अब क्या बन गया, विलयन। विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब इक्वल टू पी एस, यस मीन्स क्या, सोल्यूशन। माना विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है, पी है, और विलयन का वाष्पदाब क्या है, पी एस। तो जब आप शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे तो निश्चित है उसके वाष्पदाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वाष्पदाब में क्या होगा, अवनमन होगा। तो वाष्पदाब में अवनमन क्या होगा, पहले वाष्पदाब अधिक था, अब वाष्पदाब क्या हो गया, कम हो गया, तो वाष्पदाब में अवनमन क्या हो जाएगा, पी माइनस पी एस, क्योंकि विलायक का वाष्पदाब अधिक है, विलयन का वाष्पदाब क्या होगा, कम होगा। तो वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस पी एस, और वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन इक्वल टू पी माइनस पी एस अपान पी। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, पी माइनस पी एस अपान पी, क्योंकि इसका आप जब राउल्ट नियम पढ़ेंगे इसके जस्ट तुरंत बाद तो उसमें इसका प्रयोग होगा। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस पी एस अपान पी, जहाँ पी माइनस पी एस क्या है, वाष्पदाब में अवनमन है। तो वाष्पदाब में अवनमन में यदि विलायक के वाष्पदाब से भाग दे दिया जाए तो उसका आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, पी माइनस पी एस अपान पी होगा। तो ये था वाष्पदाब में अवनमन। अब इसके बाद अगला टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट नियम इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट नियम क्या है, देखिए वैज्ञानिक राउल्ट ने क्या किया, भिन्न भिन्न द्रवों और विलयनों के वाष्पदाब की ज्ञात किए और अपना एक नियम प्रतिपादित किया और बताया कि इनके अनुसार, वैज्ञानिक राउल्ट के अनुसार, किसी विलयन का वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वैज्ञानिक राउल ने द्रव और विलयनों पर क्या किया, वाष्पदाब ज्ञात किया, और वाष्पदाब ज्ञात करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसको राउल नियम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन का वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अभी आपने पढ़ा अपेक्षिक अवनमन क्या है, पी माइनस पी एस अपान पी। माना विलेय के मोल बराबर स्मॉल एन, विलायक के मोल इक्वल टू कैपिटल एन, विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस कैपिटल एन। विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू
एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। और वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू क्या अभी आपने पढ़ा है? पी माइनस पी एस अपान पी। अतः राउल्ट नियम से राउल्ट नियम क्या है? किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन का वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन पी माइनस पी एस अपान पी, आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या है? एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। यह आपस में क्या होगा? बराबर होगा, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। तो राउल्ट नियम यही है कि किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अतः राउल्ट नियम से P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। P क्या है? विलायक का वाष्पदाब। पी एस क्या है? विलयन का वाष्पदाब। स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो राउल्ट नियम के आधार पर आपको सूत्र प्राप्त हो गया पी माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। ये था आपका राउल्ट नियम। अब राउल्ट नियम की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं जहां पर यह राउल्ट नियम लागू होता है। तो राउल्ट नियम कब लागू होगा इसको जानेंगे। तो राउल्ट नियम की सीमाएं, नंबर एक, आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। अब आदर्श विलयन और आदर्श विलयन क्या हैं? तनु विलयन जो हैं वह आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि सांद्र विलयन क्या है? आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात किसी भी विलेय पदार्थ का यदि तनु विलयन है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का तनु विलयन है, तो उस पर राउल्ट नियम लागू होगा, और यदि सांद्र विलयन है तो राउल्ट नियम लागू नहीं होगा। अर्थात तनु विलयनों पर राउल्ट नियम लागू होता है, सांद्र विलयनों पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर आप बता सकते हैं, राउल्ट नियम से आपने सूत्र स्थापित किया पी माइनस पी एस अपान पी इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। तो यदि तनु विलयन होगा तो तनु विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या विलायक के अणुओं की संख्या की तुलना में क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। जैसे मान लीजिए 100 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी में आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया तो इसका विलयन कैसा बन गया? तनु विलयन। तो 100 लीटर पानी के में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या जो होगी 10 ग्राम नमक के अणुओं की तुलना में क्या होगा? बहुत अधिक होगा। जबकि 100 लीटर जल के अणुओं की जो संख्या होगी उसकी तुलना में 10 ग्राम नमक में उपस्थित नमक के अणुओं की संख्या क्या होगी? बहुत कम होगी। अर्थात इसको नगण्य मान लिया जाता है, नहीं के बराबर, नगण्य मान लिया जाता है। तब यदि आप आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तब वहाँ पर सूत्र का जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर विलायक की अणुओं की तुलना में या विलायक के मोलों की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? नगण्य होगी। जब नगण्य होगी तो स्मॉल एन को विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो आंकिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे पी माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आप सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे पी माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन। ये स्मॉल एन
अभी बताया कि गया कहाँ, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या नगण्य होगी। क्यों? क्योंकि राउल्ट नियम, पहली चीज इसकी सीमा क्या है कि यह तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। तनु विलयनों में विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों या विलायक के अणुओं की संख्या की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर इस मालयन को क्या कर लिया गया, नगण्य मान लिया गया। अतः पी माइनस पी एस अपान पी इज इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन। दूसरी सीमा क्या है राउल्ट नियम की, कि यह वैद्युत अपघट के विलयनों पर राउल्ट नियम का पालन नहीं होता। यदि मान लें कोई भी वैद्युत अपघट पदार्थ है तो उस वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि यदि कोई भी वह वैद्युत अपघट पदार्थ होगा तो वह आयनों में वियोजित होगा, जब आयनों में वियोजित होगा तो निश्चित है कि उसके अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि होगी तो उसके वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मान जो होगा क्या होगा, वहाँ पर अधिक होगा, जिसके कारण राउल्ट नियम वहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, राउल्ट नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो दूसरी सीमा क्या थी राउल्ट नियम की, कि यह वैद्युत अपघट के विलयनों पर लागू नहीं होता है, यह वैद्युत अनपघट के विलयनों पर लागू होता है। और वैद्युत अपघट का कैसा होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तो ये दूसरी सीमा थी। नंबर तीन, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पदार्थों के विलयन पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको विलायक में डाला जाए और वो विलयन में क्या हो जाए, संगुणित हो जाए, संगुणित हो जाएंगे तो उनकी अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। जब अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो वास्तवदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब वहाँ पर राउल्ट नियम क्या होगा, लागू नहीं होगा। अतः राउल्ट नियम वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित होते हैं उन पदार्थों के विलयन पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता है। नंबर चार, वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता। सबसे ध्यान देंगे मेन पॉइंट, यदि कोई भी वाष्पशील पदार्थ है, कोई किसी भी विलायक में आप क्या कर रहे हैं, वाष्पशील विलेय पदार्थ डाल रहे हैं, तो उस विलयन पर राउल्ट नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको टेम्परेचर देखेंगे तो उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, वाष्पित होगा, उसका दाब क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो चौथी चीज़ राउल्ट नियम की सीमा क्या थी, कि राउल्ट नियम क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू नहीं होता, अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर क्या होता है, राउल्ट नियम लागू होता है। अर्थात अवाष्पशील पदार्थ के विलयन राउल्ट नियम का पालन करते हैं। तो ये चार सीमाएं हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। पुनः एक बार सुन लीजिए चारों को। नंबर एक, राउल्ट नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। नंबर दो, राउल्ट नियम अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है, वाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता। नंबर तीन, यह वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता, वैद्युत अनपघट पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है, के तनु विलयनों पर लागू होता है। नंबर चार, वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट नियम लागू नहीं होता, अर्थात वे राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। इसका कारण भी बता दिए क्यों नहीं करते हैं। तो ये था आपका राउल्ट नियम। अब राउल्ट नियम के आधार पर आपने सूत्र स्थापित कर लिया। इसमें यदि मान लीजिए राउल्ट नियम के आधार पर सूत्र आपको क्या मिला, पी माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन, इसमें सारी वैल्यू आपको पता है। जो संकेत है, पी क्या है, विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एन क्या है, विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। यदि विलेय के डब्लू ग्राम विलायक के कैपिटल डब्लू ग्राम में घुले हों, घुले हों और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार
इस्मालियम और विलायक का अणुभार कैपिटल यम हो तो विलेय के मोल एन बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम और विलायक के मोल कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अतः तब राउल्ट नियम के आधार पे जो ये सूत्र है वह परिवर्तित हो जाएगा और सूत्र क्या हो जाएगा आपका पी माइनस पी एस अपान पी इजक्वल टू स्मॉल एन का मान क्या है डब्ल्यू बाई एम बटे कैपिटल एन का मान क्या है कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अतः पी माइनस पी एस अपान पी इजक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा डब्लू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये आपका सूत्र स्थापित हो गया। तो यदि मान लीजिए कोई भी विलयन है यदि उस विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो है उसकी मात्रा दिया है उसका अणुभार दिया है विलायक की मात्रा दिया है विलायक का अणुभार दिया है तो उसमें से जो वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो राउल्ट नियम के आधार पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से क्या करेंगे उसकी गणना करेंगे। तो ये था राउल्ट नियम, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे। सूत्र स्थापित किया गया, सूत्र को भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब राउल्ट नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अगला टॉपिक जो है आंकिक प्रश्न का अगले दिन।